जय हिंद दोस्तों, आज मैं डुअर्स का फेमस टेंपल काली मंदिर जा रहा हूँ मकरापाड़ा का। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, मे गॉड ब्लेस यू। आने वाला नया साल आप लोगों के लिए बहुत 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 खुशखबरी लेकर आए। तो चलिए चलते हैं मकरापाड़ा काली मंदिर की ओर। यहाँ से आधा घंटा का रास्ता है, मैं आप लोगों को डिटेल्स में दिखाते जाऊंगा, ठीक है? ओके लेट्स गो। गाइस अभी मैं मकरापाड़ा पहुंच गया हूं। रास्ता बहुत ही अच्छा बन गया है अभी तो। पहले जब मैं आया था समय उतना खास नहीं था, अभी नया रास्ता बन गया है। एंड यहां से अब 5 to 10 minutes लगेगा मुझे मंदिर पहुंचने के लिए। देखते रहिए। गाइड्स जस्ट पहुँच ही गया हो, ये डायरेक्ट रास्ता जा रहा है, ये आपका गम टू भूटान की ओर जाता है। और यहाँ से हमें लेफ्ट टर्न सॉरी राइट टर्न लेना होगा। भूटान से भी एक रास्ता है मंदिर पहुँचने के लिए, लेकिन अभी लॉकडाउन के कारण गेट सील्ड है, तो आपको यहाँ से राइट लेके ही जाना पड़ेगा। गाइस आप मकरापाड़ा काली मंदिर देख रहे हैं, बस पहुंच गए हैं हम लोग। अब यहाँ पर गाड़ी पार्क करके लोगों का मानना है कि यहाँ जो मन्नतें हम लोग मांगते हैं वो पूरा हो जाता है। और ये सही भी है, जब मैं फर्स्ट ब्लॉक किया था तो अपने दोस्त के बाइक में आकर के ब्लॉक किया था मैंने, तो आज मैं खुद कार चला के आ रहा हूँ। इट मीन्स पीपल आर सेइंग ट्रूथ, जो भी हम लोग चाहते हैं यहाँ आके वो पूरा हो जाते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल मेरा ही है। मैं ये देखो दोस्त, ये पार्किंग है। त्यति बेसी पनि आउँदैन होला है, हामीले सोचेको जस्तो। कता गयो बहिनी? बहिनी पार्किङको कति हो? 20? ए हुन्छ ल, थ्याङ्क यू। पार्किंग का भी बहुत ही अच्छा सुविधा कर दिया है अभी। यहाँ पर पार्किंग के लिए आपको 20 rupees लगेगा, जितना भी घंटा रखिए आप बाइक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाइक गाड़ी बाइक का शायद 10 rupees होगा।
और आपको प्रसाद सब भी यहीं पर मिल जाएगा। ये देखिए, प्रसाद आपको लेके आना नहीं पड़ेगा, यहीं पर है प्रसाद दुकान भी। और किने को लड्डू घर में बनाको कि एबिर बड़ा है? हजुर हजुर, तपाईहरु बनाउन सक्दैन यस्तो लड्डू? टाइम पा म देखिने भएछ। मास्क लगाना कम्पलसरी है यहाँ पर। अभी ऊपर जा रहे है। थक गया अभी तो। ओ माय गॉड, यति लामो लाइन। मंदिर बहुत ही भीड़ है क्योंकि न्यू ईयर है ना, तो सभी लोग दर्शन करने आ रहे हैं, मन्नतें मांगने आ रहे हैं, इसलिए बहुत ही भीड़ है यहाँ पर। देखिए सदा लोगों का भीड़।